कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमें गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों की तरफ से दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है। मैं आग्रह करता हूं बीसीसीआई ये सुनिश्चित करने कि इस विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा हो। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो विवाद है भारत का इस्तेमाल करने पर, इंडिया का इस्तेमाल नहीं करने पर, वो क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर वीरेंद्र सहवाग का ये ट्वीट है और ये कहा कि अब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भारतीय टीम मैच खेल रही है तो हमेशा जो इंडिया लिखा होता था, अब ये प्रैक्टिस में लाया जाए कि वहां पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ हो। वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट किया वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इंडिया को लेकर लगातार ये तर्क दिया जाता रहा है कि ये कॉलोनल थॉट यानी कि औपनिवेशिक सोच है और इसी को लेकर विवाद चल रहा है। और अब वीरेंद्र सहवाग की ओर से भी ट्वीट करके आग्रह किया गया है कि इंडिया की जगह जर्सी पर भारत लिखा हो। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमें गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों की तरफ से दिया गया नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में हमें बहुत समय लग गया है। मैं आग्रह करता हूं बीसीसीआई ये सुनिश्चित करे कि इस विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों की जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखा हो। तो इंडिया वर्सेस भारत पर जो इस वक्त बहस छिड़ी हुई है उसी को लेकर वीरेंद्र सहवाग का भी ट्वीट सामने आया, बाकायदा बीसीसीआई से अपील कर दी है। ट्वीट भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पहले मोहन भागवत की तरफ से जब सबसे पहले बयान दिया गया कि भारत शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए और फिर उसके बाद G20 के लिए जब इनवाइट भेजा गया, डिनर का इनविटेशन भेजा गया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अब ये पूरा मामला क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है और आग्रह ये किया जा रहा है, अपील ये है कि इंडियन प्लेयर्स पर, जो भारतीय प्लेयर्स हैं उनके टी शर्ट पर, उनकी जर्सी पर इंडिया की जगह अब भारत लिखा जाए, बीसीसीआई इसे कंसिडर कर ले। और देखिए, हम लगातार आपको वीरेंद्र सहवाग की ओर से ट्वीट करके जो आग्रह किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार उस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए जरा क्लैरिटी के साथ दिखाएंगे कि क्या कुछ वीरेंद्र सहवाग की ओर से कहा गया है। देखिए, ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें गर्व महसूस हो और इंडिया की जगह भारत जर्सी पर इंडियन क्रिकेट टीम के लिखा होना चाहिए। ये वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नाम ऐसा हो जो हम में गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, एक बार फिर से इस बात को दोहरा। और साथ में वीरेंद्र सहवाग की तरफ से ये भी कह दिया गया कि इंडिया अंग्रेजों की तरफ से दिया गया नाम है और भारत इसे कहने में अभी तक में बहुत समय लग चुका है। देखिए, जब वीरेंद्र सहवाग ये कहते हैं कि इंडिया अंग्रेजों की तरफ से दिया गया नाम है तो बार बार वही तर्क सामने आता है कि जो कॉलोनल सोच थी यानी कि औपनिवेशिक मानसिकता थी उसे दूर करना चाहिए। और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ये कहते हैं कि मैं बीसीसीआई से अपील करूंगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि इस विश्व कप में अब की बार जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखा हो। और इस लिहाज से भी ये बहुत खास है क्योंकि विश्व कप जब भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं ये वो मैच होगा जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अब आप देखिए, G20 में अगर ये कहा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो ये एक बड़े स्तर पर मैसेज देने की कोशिश है। वीरेंद्र सहवाग की मांग को, अपील को अगर बीसीसीआई कंसिडर करता है तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा जो आने वाले वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। तो आपको लगातार ट्वीट दिखा रहे हैं और ट्वीट में जय शाह को भी टैग करके ये कहा गया है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स की जर्सी है उस पर साफ साफ भारत लिखा हो, ना कि इंडिया लगा हो। ये देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस ट्वीट पर रिप्लाई मेगास्टार सुपरस्टार महानायक सदी के अमिताभ बच्चन की ओर से भी ट्वीट करके लिखा गया है, भारत माता की जय। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वीरेंद्र सहवाग का आप ट्वीट देख रहे हैं और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ एक लाइन में उन्होंने ये लिखा, भारत माता की जय। अब इसे इस वक्त चूंकि भारत और इंडिया पर बहस छिड़ी हुई है, यही कारण है कि इसे इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारत शब्द का इस्तेमाल ही करना चाहिए, उसे ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं, राजनीति से जुड़े हुए तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। हालांकि चूंकि INDIA गठबंधन के जो उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस पर, जो सत्ताधारी पार्टी है
उस पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त प्रतिक्रिया वाली हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट है और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का ट्वीट है। वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुहार लगाई गई है, अपील की गई है बीसीसीआई से। वहीं अमिताभ बच्चन का जब इस तरीके से भारत माता की जय महज इतना लिखना ट्वीट सामने आता है तो जाहिर तौर पर ये बड़ा मैसेज है, ये मौन समर्थन है भारत को कहीं ना कहीं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में अमिताभ बच्चन को चाहने वाले तमाम दर्शक हैं उनके, और ऐसे में भारत माता की जय जाहिर तौर पर एक समर्थन और बड़ा समर्थन पुरजोर तरीके से अमिताभ बच्चन का ये माना जा रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक वीरेंद्र सहवाग की जो कि क्रिकेट के दिग्गज सितारे रहे हैं, वहीं सिल्वर स्क्रीन के दिग्गज सितारे अमिताभ बच्चन का ट्वीट भी।